एक सच्चे भक्त में क्या गुण होते हैं, एक वास्तविक दास में क्या गुण होते हैं, एक वास्तविक संत में वो क्या गुण होते हैं, वो संत की कैसे ज्ञान से परिचित होता है जो तत्वदर्शी संत होता है और स्वयं ही वो परमात्मा समर्थ हैं। तो ऐसे उस परमेश्वर ने सभी प्रकार की अपनी लीला की है, तो हमने उनकी एक ही लीला को दास कबीर पढ़ा उनकी वाणी में, तो हमने उनको एक भक्त मान लिया कि वो परमात्मा का दास है। लेकिन वो दास शब्द उन्होंने हमारे लिए लगाया। उनका उद्देश्य ये है कि हम यदि परमात्मा ही कहीं अपने आप को दास भाव नजर नहीं दिखाते तो हम दास नहीं बनते। तो अब हमें ये महसूस होता है कि जब हमारे भगवान आकर के इतने सिंपल यहाँ बनकर रहे और हम यहाँ डीपाका और हम यहाँ ऊपर नमू उठा कर चलें और अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते रहे तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। उसके लिए बताया है कि मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर और वह कंस कैसी चाणूर से वह हिरणा कुश बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत गरीब दास उस परमात्मा हरी के नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो इसलिए हमने बहुत ही भक्ति भाव में रहना है और जैसे परमात्मा ने अपने आप को एक दास बनाकर लीला की तो हमने ऐसे दास भी बनकर रहना है। प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा जब यहां आते हैं तो हम उनको पहचानते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो गलत ज्ञान इतना फीड कर दिया होता है कि एक दो वर्ष तक तो सत्संग सुनने पर भी वो मुश्किल से बाहर होता है। अब जैसे किसी एक मटके में गड्ढे में खारा पानी भर रखा हो तो उसमें उसको कैसे चेंज किया, तो सारा उथला जा और फिर उसमें हम ठंडा गर्म मीठा पानी डालना शुरू करें तो 2-4-10 गिलास उसमें डाल भी दिए तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा टेस्ट में। वो तो उसमें ठोकें जा फिर अपना मीठा पानी उसमें डालें जा तो वो खराब पानी बाहर निकल जाएगा। एक दिन वो जो मीठा पानी से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही ये सत्संग रूपी जो नल आपके लगा रखा है ऊपर वर्षा की जा रही है, हमारे अंदर जो पुराना ज्ञान फीड है वो कई सत्संगों में जाकर के बाहर आएगा और ये अंदर समाएगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत है और हमने सत्संग अधिक से अधिक सुनने चाहिए। जैसे सीडी बना रखी हैं, पुस्तक छपी हैं, इन सभी का सहयोग आपने कंटिन्यूस करना लेना पड़ेगा, तभी आप इस ज्ञान से परिचित होंगे। आज सभी शिक्षित हैं और ऐसा आजकल इंस्ट्रूमेंट चल गए हैं जैसे DVD है, CD है, अनपढ़ तड़पड़ आदमी व्यक्ति को बैठा दे सामने इसे आसानी से समझ जाएगा, अंधा भी समझ जाएगा क्योंकि ऐसे ढंग से सत्संग किया हुआ है। परमात्मा ने उस समय हम क्यों फेल हुए, क्यों असफल हुए, भगवान की परीक्षा में पास नहीं हो पाए, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम अपने सदग्रंथों से अपरिचित थे, जिस कारण से हमने भगवान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने एक लीला की थी जैसा कि दिन में सत्संग में आपको सुनाया। और अब जो वर्तमान में अब देखा आपने वही लीला वही क्रिया अब रिपीट हुई, भले ही उसका प्रारूप दूसरा था। अब इससे हमें यह संतुष्टि हुई कि जिन्होंने सत्संग सुन रखा था वो फेल नहीं हुए, वो डगमग नहीं हुए। समाचार पत्र मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये समाचार पत्र वर्तमान में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी झूठ बोलने में कसर नहीं छोड़ी और इस समाचार पत्रों में भी कलम तोड़ दी झूठ बोलने की, लेकिन हमारे भक्तों भगत तस से मस नहीं हुए। ये हमें लाभ हुआ उन
पहले वाले फाउल पॉइंटों को आपको बार बार बताया गया था कि ये काल ऐसे दाव लगाएगा जो परमात्मा के विषय में कही गई थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म यो बांटे सर का बोझ। उसमें परमात्मा को भी सब गंदा नीच निकम्मा है, भड़ुआ ये ऐसे है वैसा है, वैसा के पास जाता है शराब पीता है, हालांकि वो तो लीला की थी श्रेयाम। तो उस और अब उससे भी बुरे बुरे से बुरे जो है ना शब्द इस दास के लिए प्रयोग किए गए, ऐसी बेहुदी बातें झूठी समाचार पत्रों में छाप देगी, क्योंकि समाचार पत्रों को आम व्यक्ति ये समझता है कि इसमें जो मीडिया में जो आता है ये सत्य है, लेकिन 100% झूठ बोला पूरे मीडिया ने। लेकिन परमात्मा के बच्चों का कुछ भी मनोबल ढीला नहीं हुआ, दूनी उमंग के साथ बढ़कर आए, क्योंकि वो परिचित हो चुके थे। ये लाभ हुआ हमें शिक्षा का, ये लाभ हुआ हमें सत्संग, अधिक सत्संग सुनने का। और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, जितने भी नकली संत हैं ऋषि महर्षि जिनकी आड़ में या दुकान चल रही थी, सारे की खाल उतर जाएगी। ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी और शेर शेर करके सबको प्रभावित किया हुआ था। एक कुमार ने के परपंथ रचा, अपने गधे पर शेर की खाल डाल दी और वो खेतों में छोड़ दे, और खेतों में रखवाले रहा करते थे, वो देख कर शेर ने चांद की चांदनी में शेर वो भाग जा घर छोड़कर, वो खेत छोड़कर गांव में भाग गया, वो शेर आया हुआ है। और वो गधा सारे वहाँ खा जाए उनकी फसल वसल कर वो खूब। अब कुमार दिन में धंधा करे, शाम ने उस पर खाल डाल के वह कवर शेर खा और जंगल में छोड़ दे। तो गांव ऐसे चर्चा चलती रही, भाई शेर आवे है और बहुत खेती का नुकसान कर रहा थे। कुमार ने सुन ली, वो दूसरे गांव का कुमार था, ने बोला भाई शेर आवे है और खेती खावे है, कहाँ खेती खा गया घना नुकसान कर दिया। वो कहने लगा भाई देखो अब मैं वेद काट दूंगा इस शेर का। उसने शाम के समय अपने एक दो गधी वो ला करके उस क्षेत्र में छोड़ दी, और वो रखवाला ने बोला कि तुम ऊपर चढ़ जाओ पेड़ों के ऊपर बैठ जाओ, मैं भी चढ़ जाता हूँ। अब उसको भी शंका था भी कदे शेर भी और भी पशु खेती कोई और खा जाता, हो सकता शेर ही हो। तो गधे भी छोड़ दिए, वह गधे और गधी वहाँ खा चढ़ चुर रही थी चारा। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी बोली बोलनी शुरू करी, तो वो जो शेर रूपी के ऊपर गधे के ऊपर शेर की खाल गाल रखी थी, उसने भी वह भाईचारे वाली बोली सुनी, वो भी भाग लिया। फिर वो ही बोली बोलता हुआ उधर उन गधों गधी के पास ही आ गया और वह खाल गई कीता पड़ गई। एक लो वो गधा का गधा न्यू का न्यू आखड़िया वहां पर उन अपने साथियों के पास। तब वह रखवाले वृक्षों से उतरे, उस गधे को पहचाना, वह खाल उठाई और फिर उसको मार को गड़ा, उसका फिर तोड़ पाट्या। तो परमात्मा अब शेर की और गधे की पहचान बोली तो हुई, वो आया ऊंची ऊंची करता हुआ, शेर की क्या आवाज होती है। तो ये जितने भी नकली संत थे मैं ऋषि थे, ये संत की खाल ओढ़ रहे थे, और संत की पहचान बोली तो आकर वचनों से होती है। अब ये पहचान होगी इन सब की, या शेर वाली खाल उतार दी गई है, और जिसने ना गधा देखा ना शेर देखा वो पहचान के करेगा। तो पहचान वही करेंगे जिनको चषक है कसक है, जिनको भगवान चाहिए। आज कसर नहीं छोड़ी है भगवान ने, कति दूध और पानी छाण के नारा नारा कर दिया। और अब भी कोई नहीं समझेगा तो वो पशु के तुल्य है, वो मनुष्य है ही नहीं। परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बहुत पहले कहा था कि धर्मदास एक समय आएगा
उस समय तक ये यथार्थ ज्ञान को छुपा के रखना है, अन्यथा ये नकली संत इसी की कॉपी करने लग जाएंगे और जब हमारा भक्ति युग शुरू होगा उस समय हम कोई भिन्नता नहीं बता सकेंगे। धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। तो ऐसे सार शब्द तब तक छुपाई जब सार ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तिरही। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू हो गई है और प्रारंभ जब कलियुग का हुआ उस समय वो प्रथम पीढ़ी थी और इस अब ये बिचली पीढ़ी है लास्ट में कलियुग के अंत में वो अंतिम पीढ़ी होगी। वो भी भक्ति योग नहीं रहेंगे और प्रारंभ में भी भक्ति योग्य नहीं थे क्योंकि वो अशिक्षित थे, वो विश्वास परमात्मा पर नहीं कर सके। परमात्मा ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान होगा और एकदम सतयुग जैसा वातावरण माहौल फिर बनेगा। अपुण्यात्मा आप अपने से विचार करो, जब तक हमें ज्ञान नहीं था हम भी लूट खसोट में पूरा जोर दे रहे थे, भाई हुकंड करो किसी तरीके से माया मिल जाए, माया माया दिखे थी। अब हमें ज्ञान हो गया कि परमात्मा देगा उसे तो उसी से ही काम चलेगा, हमारे किए से नहीं होगा। हम धन जोड़ना चाहेंगे किसी दूसरे तरीके से तो हानि हो जाएगी और दो नंबर से किया हुआ जो पाप से धन इकट्ठा किया वो धन तो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन वो पाप रह जाएंगे जिनके माध्यम से वो धन जोड़ा था। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं और आप भी खुद भी समझदार हो, अपना हिसाब लगा सकते हो कि किसी ने भी कोई ऐसा कोई पाप कर्म दुष्कर्म करके या किसी के 19-21 करके पैसा जोड़ा है तो कहीं ना कहीं से वो जो अवश्य गया है। एक 2000 का दो चार हजार की इधर से हेरा फेरी की, एक 25,000 की भैंस मर गई। तो पुण्यात्माओं अब हमें ज्ञान हो गया है कि हम नेक नीति से रहेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, दान धर्म विधिवत करेंगे तो हमें धन मिलेगा और वो धन एक नंबर से मिलेगा, परमात्मा अपने कोटे से देगा और साथ में हमारे शुभ कर्मों का भी परिणाम होगा। इसलिए हम किसी को सता नहीं सकते, किसी का पैसा नहीं रख सकते, हम भूखे रह सकते हैं, हम पाप नहीं कर सकते क्योंकि हम स्याने हो गए। छोटा सा बच्चा होता है, बिजली का तार स्पार्क कर रहा होता है, जमीन पर पड़ा है, वो बच्चा उसको आतिशबाजी समझकर उस नंगे तार को जाके पकड़ देता है और जान से हाथ धो धो बैठता है। जब बच्चे स्याना हो जाता है उसको बताया जाता है कि इसमें तार में बिजली है, दूर है, जब उसका वो समझदार हो जाता है फिर उस बिजली के तार से दूर हो जाता है, औरों को भी कहता है कि दूर इसमें बिजली है पकड़ लेगी। तो जब तक हम अबोध बालक थे, अज्ञानी थे, हम भी उस बिजली के तारों को हाथ लगाते थे, हम भी कर लेते थे 19-21, झूठ बोल देते थे, कभी कुछ कर देते थे अपने स्वार्थवश। लेकिन जब से हमने ये तत्व ज्ञान हुआ है और ये हमारा हम मैच्योर हो गए हैं भक्ति ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, उसके बाद ये उस बिजली के तार की तरह डर लगता है, छूने को दिल नहीं करता, एकदम हाथ वापस आ जाता है। तो फिर हम पाप कर्मों से बचेंगे और पूर्व के पाप परमात्मा नाश कर देगा यदि हम सच्ची श्रद्धा से उनके चरणों में रहेंगे, तभी हम आगे चल पाएंगे, तभी हम सफल होंगे। फिर हम लूटेंगे नहीं, स्वयं लूटेंगे, हम किसी को नहीं लूटेंगे, हम स्वयं लूटेंगे। कबीर, आप ठगाइए और न ठगिए कोए,
आप ठगाएं सुख होत है भाई और ठगें दुख होए। आप कैसे ठगाएंगे? क्योंकि हम पहले हमारे धार्मिक लोग बहुत होते थे, आने वाले अतिथि की बहुत सेवा करते थे, सच्ची आत्मा से उनको बड़ा अच्छा भोजन, अपने से भी अच्छा भोजन खिलाते थे उस दिन जिस दिन अतिथि आता था। अब क्या गिरती जा रही है वृत्ति हमारी, बहुत अंतर होता जा रहा था, लेकिन अब फिर पुनः वही अतिथि आ रही है। किनकी? जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भूखों भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परवान, भूखे को अन्न देना बहुत पुण्य होता है। अतिथि आवे, श्रद्धा के साथ उसको अन्न खिलावे, भोजन करावे, इससे बहुत पुण्य होता है। और यदि कोई पैसा मांगता है तो उसको पैसा नहीं दे, क्योंकि पैसा लेकर के वो बकवाद करेगा, कहीं शराब पीवेगा, कहीं सुल्फा पीवेगा, या कि तो और सट्टा लावेगा। यदि उसको भूख है खाना खिला दे, आत्मा संतुष्ट होती है और आशीष देती है जब भूखे न भोजन मिल जाता है। तो इस प्रकार हम किसी को सता नहीं सकते, हम चाहे कितना दुख पावें।